ले दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान की 15 इंस्टॉलमेंट जो कि आने वाली थी वो आज संपूर्णता पूर्वक सभी के खाते ट्रांसफर कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आ चुके हैं पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पीएम किसान, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और थोड़ा हम नीचे आएंगे तो गाइस अब हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम ऑन 15 नवंबर, जो कि आज है 15 नवंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट। पीएम किसान का जो पैसा है केंद्र का यानी मोदी जी की तरफ से सभी किसान भाइयों के खातों में भेज दिया गया है। मैं आपको रियल में प्रूफ भी दिखाऊंगा। सिंपली मैं जाता हूँ अपने मैसेज पे, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं नोटिफिकेशन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट इज क्रिएटेड विद 2000 रुपीस। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं अगेंस्ट DBT स्कीम फॉर रेफरेंस नंबर। यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन ID दी गई है। इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं आपका पैसा आया या नहीं आया। अगर आपका पैसा नहीं आया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो योर स्टेटस पे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नो योर स्टेटस का, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन तो सिंपली आपको आप यहाँ पे क्लिक करना होगा नो योर रजिस्ट्रेशन, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे और गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आपको सेंड नहीं करना है, गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा उसको वहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद जैसा कि ये कैप्चा लिखा हुआ है वैसा यह कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमने कैप्चा यहाँ पे फिल कर लिया है, तो चलिए गेट डाटा पे क्लिक। तो फ्रेंड उसके बाद आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा लैंड सेटिंग का, दूसरा मिलेगा आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस और थर्ड मिलेगा आपको एक KYC स्टेटस। यानी कि तीनों का एक ऑप्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तीनों में ब्लू टिक होना चाहिए। अगर तीनों में आपका ब्लू टिक है तो ये आपका पीएम किसान का पैसा आएगा, नहीं तो आपका पीएम किसान का पैसा जो है नहीं आएगा। तो लैंड सेटिंग अगर आपको नहीं दीजिए, आप अपने ब्लॉक में या फिर अपने लेखपाल से तहसील में जाकर करवा सकते हैं। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस अगर आप यहाँ पे क्रॉस का सिंबल अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो आप अपने बैंक जाकर DBT यानी NPCI से लिंक करवा सकते हैं, या तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करवा के उसमें DBT लिंक करवा सकते हैं। और थर्ड में KYC आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को इसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए।